uh hello guys welcome back with another video and guys in this video we will discuss the first block of cfn1 unit 1 is food and food acceptance and guys in this video we will uh, see uh, what is in the first block uh, first block uh, there have five units food and food acceptance food

कि फोर ब्लॉक्स में डिवाइड किया है और मैंने ब्लॉक के नेम भी बता दिए आपको एंड ब्लॉक फर्स्ट में ये उन्होंने दिया फूड ग्रुप न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शंस तो गाइज चलिए शुरू करते हैं ब्लॉक फर्स्ट फूड एंड फूड एक्सेप्टेंस तो गाइज़ इसमें सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन डेफिनेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सोशल कल्चरल आस्पेक्ट्स ऑफ फूड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द फूड एक्सेप्टेंस फिजोलॉजिकल फैक्टर्स इंफ्लुएंसिंग फूड अक्प्टेंस सोशल कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लेंसिंग फूड अक्सैप्टेंसो फिजो सोशल फैक्टर्स इंफ्लेंसिंग फूड एक्सैप्टेंस तो कैसी कुछ दिया हुआ है दिया गया, गया इसमें फूड डिफाइन फूड न्यूट्रीशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस लिस्ट दी न्यूट्रेंड्स तो गैस ये उन्होंने दिया कि ये क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव में दिया है कि आप कर सकते हो तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन करेंगे हम फूड इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ तो गैस इसका मतलब ये है कि फूड एक आ, बहुत ही जरूरी जो है वो हमारी जीवन का एक हिस्सा है वी कैन नॉट लाइव विदाउट फूड फॉर मोर देन ए फ्यू डेज़ हम फूड के बिना कुछ दिनों से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते आवर फूड नीड सर्टेन सबस्टांस कॉल्ड न्यूट्रेंट आवर बॉडी नीड्स सरटेन सबस्टांसिज कॉल्ड न्यूट्रेंट्स कुछ चीजें जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं उनको हम न्यूट्रेंट्स बोलते हैं विच आर इसेंशियल फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग फॉर एंड फॉर मेंटेनिंग हाईली न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड दी ओनली सोर्स ऑफ ट्रेनिंग दिज न्यूट्रेंट इज इज न्यूट्रेंस इज फूड विच वी ईड तो जो न्यूट्रेंट्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं फूड से मिलते हैं फूड कम्प्राइज वराइटी ऑफ एडेबल सब्सटांसिस बट वी हैव टू मेक वाइज सिलेक्शन टू गेट प्रॉपर नरिशमेंट फॉर अवर बॉडी सो लेट एस बिगेन द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन ऑफ द फूड तो गाइज हमें अभी फर्स्ट जो इसकी डेफिनेशन है तो गाइज बहुत इसमें पढ़ेंगे कि फूड uh, होता क्या है यू आल नो दैट वी मीन वट वी मीन बाई फूड फूड इज समथिंग वी इट जो भी हम कुछ खा रहे हैं तो वो फूड है एंड विच कैन बी यूटिलाइज अवर बॉडी जो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर रही है एंड द नीड ऑफ नीड फॉर फूड बींग विद बिगनिंग ऑफ द लाइफ इट सेल्फ बिकॉज इट इज ओनली थ्रो फूड एंड वी गेट इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट फॉर लाइफ एंड दी ग्रोथ ग्रोथ और लाइफ के लिए जो है वो इसेंशियल कम्पोनेट बहुत ज़रूरी होते हैं द प्रोसेस बाई विच दॉडी यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रेशन जिस माध्यम से हमारी बॉडी जो फूड को यूटिलाइज करती है उस माध्यम को उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कॉल्ड न्यूट्रेशन द फूड कंज्यूम्ड बाई अस इज़ यूटिलाइज बाई द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो फूड जो है वो कंज्यूम्ड uh, किया जाता है एंड यूटिलाइज होता है Uh, process uh, through digestion, absorption, absorption and trans transport, storage, metabolism, and the elimination for the purpose of maintenance of life, growth, and normal functioning of the organs and production of energy. Nutrition is thus a sum total of or a combination of all these processes by which. बाई विच लिविंग बींगस रिसीव एंड यूटिलाइज मटेरियल नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर फंक्शंस ग्रोथ एंड ऑफ रिनीयर कंपोनेंट्स सो फूड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ हेल्थ एंड इज डिफाइंड बाई वर्ल्ड हेल्थ तो गाइज जैसा कि ये बता रहे हैं फूड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ के लिए तो so, गाइज अब हम हेल्थ की डेफिनेशन देख लेते हैं कि हेल्थ क्या होती है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड वेल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीजन डिजीज और इन्फर्मिटी दैट इज कॉल्ड हेल्थ तो स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली दबसेंस ऑफ उसे कोई भी मतलब डिजीज नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई इन्फर्मिटी और फिज़िकली बिल्कुल ठीक होना चाहिए और मेंटली बिल्कुल और सोशली बिल्कुल ठीक होना चाहिए उसको हम हेल्थ बोलते हैं फूड इज़ वट वी ईड वाइल न्यूट्रिशन इज द कम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस बाई विच वी यूटिलाइज फूड तो है यहाँ पर कुछ न्यूट्रेंट्स की बात करें अगर हम तो न्यूट्रेंट आर कंसिस्टेंट्स ऑफ द फूड एंड इंक्लूड वाटर आ गया प्रोटीन आ गया तो मेन न्यूट्रेंट्स ऑफ़ फैट्स आ गए कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स एंड एंडवीं विटामिन तो गाइज ये कुछ क्वेश्चन हैं आई होप यू आप अभी आप सॉल्व कर सकते हो हाउ आर द टर्म्स फूड एंड न्यूट्रिशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फूड और न्यूट्रिशन ये दोनों टर्म आपस डिफरेंट क्यों है हाउ डू यू अंडरस्टैंड द टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस आप न्यूट्रिशनल स्टेटस को कैसे अंडरस्टैंड करते हो एंड वट डू यू अंडरस्टैंड बाई न्यूट्रेंट्स न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं तो गाइस यहाँ पे ऊपर दिया गया है न्यूट्रेंट्स आर कंस्टिट्यूट्स ऑफ़ फूड एंड इंक्लूड वाटर प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स विटामिन तो गाइज फोर्थ वाला है लिस्ट दी सिक्स न्यूट्रेंट्स तो गाइज अभी आपको सिक्स सिक्स न्यूट्रेंट्स की लिस्ट तैयार करना होगी फैक्टर अफेक्टिंग दी फूड सिलेक्शन तो गाइज ये आप डाइग्राम देख रहे हो तो इसमें लोकेशन क्लाइमेट वेदर और फिजिकल इन्वामेंट दिया गया है इकोनॉमिक एजुकेशन एंड फिजोलॉजिकल कल्चर यहाँ पे बताया गया हुआ है ये एंड हंगर टेस्ट एंड टेक्सचर, अरोमा फिजोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पे बताया गया सोशल कल्चरल फैक्टर्स कौन से हैं तो यहाँ यहाँ इस दिए गए ट्रेडिशन रिलीजन एंड ये दिया गया यहाँ पर सोशल कल्चर आस्पेक्ट्स ऑफ द फूड FACTORS are DETERMINING FOOD ACCEPTANCE So guys, Physiological factor influencing the food acceptance. Hunger. People who are starvation uh, will usually expect anything edible that will fill the stomach and the food they accept might even be something that I would normally dislike. It is also true that some people may refuse food even when they are um, actually hungry, if the food offered uh, does not uh, uh, confirm to their cultural and religious aspect of pattern, sensation produced by the food, social culture factor. तो uh, guys मैं आपको ये अभी इसके फर्स्ट चैप्टर पे था. तो guys अगर आपको मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो guys आप मुझे बताने ताकि मैं सी एफ एन की नेक्स्ट क्लास भी ले सकूँ आपकी और गाइज़ सोशल कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फूड एक्सेप्टेंस और रूल ऑफ कल्चर सोशल वैल्यू ऑफ़ फूड रिलीजियस एंड मॉरल वैल्यूज़ ऑफ फूड तो गाइज़ ये आप इजीली पढ़ेंगे और इसके बाद आपको पता लगेगा कि सोशल वैल्यू ऑफ़ फूड की फूड की एक सोशल वैल्यू क्या है ए तो आप मतलब इजीली जानते हो एंड द रिलीजियस एंड मॉरल वैल्यूज़ ऑफ़ फूड तो गाइज़ ये भी आप जानते हो Um, physio, social factors uh, uh, influencing food acceptance. Food is a symbol security for milk. The first food we take is usually associated with security. Have you noticed that uh, when you were ill and away from home, uh, you like to drink milk because it remind you the loving care of your mother. Uh, का ये कुछ क्वेश्चन हैं लिस्ट दो फूड्स विच इंजॉइंग ईटिंग स्ट्रेट रीजन इफ़ एनी तो ये इजली आप कर सकते हो लिस्ट थ्री फूड्स दैट यू डू नॉट लाइक एंड गिव रीजन आपको कोई तीन फूड जिस जो आपको पसंद नहीं है तो क्यों पसंद नहीं है वो आपको रीज़न भी देना है लिस्ट द फूड दैट आर टैबू इन योर रिलीजन लिस्ट टू फूड दैट यू डू नॉट कंज्यूम वेन यू आर फास्टिंग सो गैस ये थे कुछ क्वेश्चन वट फूड्स आर जनरली जनरलीटेड विद फॉलोइंग और एसोसिएशन इज प्रपेर्ड इन योर होम गेस्ट मील एंड वेडिंग इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट सॉलिड तो गैस ये था हमारा कुछ आज का तो गैस इसलिए हम ग्लॉसरी देख सकते हैं इसमें दिया है यह हैबेशन किसको बोलते हैं प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स टेकन इनटू द ब्लड स्ट्रीम उसको हम बोलते हैं कल्चर किसको बोलते हैं एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इन कम्युनिटी तो इसको कल्चर बोलते हैं डाइजेशन ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन दॉडी बाई डाइजेस्टिव यूसिज सो एज टू कन्वर्ट इट सो सच ए फॉर्म विच वी कैन अब्जॉर्व इन द बॉडी हेल्थ किसको फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग को बोलते हैं हेल्थ हंगर डिजायर टू ईट कुछ खाने का जब मन करे तो उसको हम हंगर बोलते हैं मेटाबोलिज्म प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ़ द फूड फॉर इंटरनल बॉडी प्रोसेस पॉबर्टी किसको बोलते हैं पीरियड वैन सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर से करैक्टर्स डेवलप एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विकम पॉसिबल साइकोलॉजिकल पार्टेनिंग इन द माइंड सोशल पार्टेनिंग टू ह्यूमन रिलेशन तो आंसर दैक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज फूड इज समीट विच यूटिलाइज बाई द्यूट्रिशन इज प्रोसेस यूटिलाइज फूड टूज आई होप यू ये कुछ आपको क्लियर हो गया होगा और सेकेंड uh, यूनिट है इसका फूड फंक्शनस ऑफ फूड तो गाइज़ अगर इसको मैं आपको समझाना चाहूँ इसमें क्या क्या है तो गाइज़ प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में बता दें और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और सी एफ एन के अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं सारे के सारे चैप्टर्स तो गाइज़ ईज़िली मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँगा और थोड़ा बहुत आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दूँगा तो प्लीज़ आप इस यूट्यूब वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तब तक वीडियो नहीं बनाऊंगा अगली जब तक आप मुझे कमेंट सेशन में बताना दो Thank you for very much to watching this video.